मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे होंगे, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज का व्लॉग काफी टाइम बाद बन रहा है और आज मैं जा रही हूँ बिनसर महादेव के मंदिर। और कौन कौन हम जा रहे हैं वो आपको गाड़ी में मिलाएंगे उनसे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और उनकी टाइमिंग हुई है 8 बजे आने की। वैसे इस टाइम पे मेरे घर वाले उठ जाते हैं, मैं नहीं उठती हूँ, लेकिन वो अभी मैं जल्दी उठ गई हूँ आज। पता, जैसे जैसे मैं उठी, मैंने 6 बजे का अलार्म लगाया था क्योंकि मुझे उठने में 1 घंटा लगता है, तो मैं आधा घंटा पहले और सोई, 15 मिनट और सोई, फिर 15 मिनट और ऐसे सोई, थोड़ा बिल्ली के साथ खुचुर पुचुर करी, उसके बाद जाकर के मैं अभी पूरी उठ गई हूँ। तो अब मैं रेडी होंगी, अभी नहीं, मतलब मैं थोड़ा पहले बाहर टहल लूँगी, चाय वाय पीते हैं, उसके बाद रेडी होंगी। तो बाहर का मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा लगा है। अरे तुम कहाँ से आई अम्मा? हाय बोलो। हाय हाय यार। हाय गाइस। हाय हाय गाइस बोलो ना। हाय गाइस। कैसे लग रहे हो ना सुबह सुबह उठ के? मॉर्निंग ड्रा। ये मेरी लखनऊ वाली अम्मा है। मॉर्निंग मुंह तो मैंने भी धोया, मैं अभी जस्ट उठ के आई हूं बाहर। मैं भी भिसोड़ी लग रही हूँ। अभी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और मैंने अभी इयररिंग्स नहीं पहनी है, वो मैं ऊपर जाकर ही पहनूंगी क्योंकि थोड़ा हैवी है ना इस वजह से। तो बाकी वो लोग आ गए हैं, ऊपर को चलते हैं, मिलाते हैं कौन कौन लोग आ रहे हैं आज हमारे साथ। कम होते 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 वो लोग हो गए, हम लोग हो गए सिर्फ 4 लोग, 4 और 5वे हमारे ड्राइवर साहब। मैं ऊपर आ गई हूँ, इन लोगों ने मुझे रोड पर बुला दिया और अपना खुद नहीं आ रखे हैं अभी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। मेरी आवाज देख के तुम लगा करके आए हैं, गले में दर्द है आजकल, रामायण रामायण बहुत पड़ गई। रामपद में काफी गए हैं, कीर्तन मंडली खूब जमा के करी है। अच्छा, आप थोड़ी सा शरीर आप ठीक है, अभी तक तो खराब ही था। आज हमने बिनसर महादेव क्यों जाना है ना? अब तो भावना जी बैठ गई, अब कोई आए कोई ना आए, हम लोग इसको जाना है तो जाना है। संदीप दा भी हमें यहीं पे मिल गए पास में, आ नीचे ही आ गए संदीप दा। चलो उधर से आओ, इधर से नहीं बोल रही मैं। उधर से आओ ना प्लीज, फिर गरीब वो भी घर से निकली नहीं है। संदीप भी आ चुके हैं हमारे, संदीप तो बहुत सुंदर लग रहे हैं यार आज। संदीप अच्छे लग रहे हो आप आज। धन्यवाद। हमारी गाड़ी वाली आ गई है, अब ऐसे तो टेंट में लगा रहता है। करीमती, अबे संडे मार्केट में यही बिक रहा था, क्या पहन के आती तुम? खोलो तो सही। अरे खोल तो, खुला था। यो ये सुंदरी आ चुकी है। अचानक सरप्राइज मिल गया, अचानक ये समुद्र से आई हुई है। संदीता की हंसी नहीं रुक रही, उनको देख के इनकी रोजी है। मैं ना नई ड्रेस खरीद रही, प्रेस व्रेस में प्रेस कहाँ होती है? हेलो दोस्तों, सब लोग कैसे हैं? मैं संदीप सिंह नयाल आज गरिमा जी की ब्लॉग में आया हूं। और गरिमा जी कुछ कहना चाहेंगे? और एक संगीत बन के आए हैं और हम तो आ चुके हैं, मोहनदा, कन्नूदा, गरिमा जी, संदीपदा। और मोहनदा थोड़ा सा बिजी है तो मोहनदा से भी थोड़ी देर में बात करेंगे क्योंकि मोहनदा थोड़ा फोन में बिजी है, बाकी कन्नूदा हमारे ड्राइविंग में बिजी है और गरिमा जी हमारी बात करने में बिजी है, संदीपदा हमारी बात सुनने में बिजी है। तो हमारे मोहनदा और आज थोड़ा बिजी है, थोड़ा गुस्से में है कन्नूदा जी। पहले हम कितने लोग जाने वाले थे? 8। कन्नूदा से मत पूछो, कन्नूदा को बहुत बुरा लगा हुआ है। पहले हम एक्चुअली 2 ही लोगों का प्रोग्राम बना था, लेकिन हमारी टीम में इतनी एकता है तो फिर हम 5-6 लोग जाने लग गए। मेरे लीवर में भी फ्रैक्चर हो गया। तो हमारी सवारी इतनी बढ़ गई थी कि हमने मना कर दिया, भैया अंदर रहने दो। सवारी ले सकते हो वैसे, यहाँ से मिलती रहती है सवारी, तो मिल जाती है ना। तो अभी बज रहे हैं 9 और हमारी जर्नी ऐसे स्टार्ट हो चुकी है बिनसर महादेव के लिए, तो देखते हैं कैसा रहता है। बाकी हम 4 ही लोग जा रहे हैं, 5 लोग, मैं, कन्नूदा, मोहनदा और संदीपदा और गरिमा दी। अभी हम कोसी बाजार पहुंच गए हैं और चाय पीने का प्लान बन रहा है आगे। ये देखो कोसी बाजार खाओ मैंने यार, और तो भी वैसे ही बहाने होते हैं ना। ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार। तो दोस्तों आ चुके हैं हम चाय की दुकान में और यहाँ बुबू बहुत अच्छी चाय बनाते हैं। ये संदीप दा की स्पेशल रिक्वायरमेंट थी कि हम यहाँ रुकेंगे। कन्नू भाई भी चाय पीने के लिए रुक रहे हैं, मोहन भाई भी चाय पीने के लिए हैं। और ये देखिए छोटी बच्ची भी आई है आज हमारे साथ,
चलिए अभी तो देख सकते हैं आपको बुबू को बुबू की दुकान में। बुबू नमस्कार, पांच चाय बना दो। बुबू की स्पेशल चाय की दुकान। और ये देखिए धारा, यहाँ बहुत बढ़िया पानी आता है। यहाँ देखिए हम आपको ले चलते हैं, अधिकतर गाड़ी धोने के लिए रुकी है और पानी पीने के लिए। नीचे को जानी जा जा। रुका यहाँ पे चाय पीने के लिए। वैसे यहाँ के ढाबे का नाम क्या है संदीप? चलता फिरता ढाबा। आजकल मोहनदा ने टोपी पहननी छोड़ दी है, कैप पहननी। कैप से संन्यास ले लिया है मोहनदा ने। यहाँ को देखो बिना कैप के। किसने वैसे बोला था? आए हैं टोपी पहनना छोड़ दो। तो मुझे टोपी में अच्छी नहीं लगती हो बोला होगा मोहनदा को किसी ने, तो मोहनदा ने टोपी पहनना ही छोड़ दिया। बताओ अच्छा किसी ने नहीं कहा तुम कपड़े पहनना छोड़ो। पत्ते झींगा ला ले। मोहनदा कुछ लाए हैं टिफिन में खाने का? क्या लाए हो? नाश्ता जाओ भैया। वाह यार वाह, वैसे आपका और मेरा पर्सनल चलता है नाश्ता। चाय और चाय के साथ आज देख लिए कन्नू भाई लेकर आए हैं घर से गर्मा गर्म भोजन। ऐसी रोटी खाने में अच्छा लगता है, दरबार रोटी। स्कूल की याद आ गई हमारी। टाइम नहीं होता है ना। कन्नू भाई कौन सी सब्जी है? बैगन आलू बहुत अच्छी होती है दही के साथ। इसमें धनिया भी डाला है तो और टेस्टी हो रहा है यार, बहुत ज्यादा। गरीब मुझे कुछ कहना चाहेंगे? अरे खा लो यार। मेरी फेवरेट सब गुनगुनी धूप में हरे भरे पेड़। और यहाँ बन रही है बुबू की चाय। संदीप दा को बुबू की आज की चाय बहुत अच्छी लगती है। हम जब भी यहाँ से गुजरते हैं टीम वाले हम नहीं रुकते हैं चाय के लिए। पूछो कितना पुराना है इनका, वो कितने पुराने टाइम से सुना करके। वो कितने टाइम हो गया बुबू? 32 साल हो गए बुबू को लगा ले। और जब भी हम आते हैं प्रोग्राम वाले सब यहीं रुकते हैं। बुबू को थोड़े हो गए 32 साल, दुकान को हो गए। बुबू को तो ज्यादा हो गए होंगे। दुकान को ज्यादा हो गया, दुकान को ज्यादा हो गया, तुमको कम है? लेकिन 35 साल के इसको लेंटर को हो गया खाली। पहले बुबू आपको कम से कम 50 से ऊपर हो गए होंगे। पहले ये जो चूल्हा उल्ला जलता था ना, चूल्हे की वजह से पूरा होता था। 65 रानीखेत सोनी बिंसर। सोनी बिंसर रुकेंगे। मेरा ये कान की पिछला गिर गया तो मैं अब आगे से कुछ लूंगी, शायद रबर लगाना पड़ेगा इसमें। हम लेकर कन्नू भाई टिफिन वही भूल गए हैं लगता है, चाहिए नहीं। अच्छा मिल गया, इसलिए अब छोटा बच्चा लेने के लिए जा रहा है टिफिन। ऐसी होता है चप्पल है ना, ये ऐसी होती चप्पलें बुडुम बुडुम बुडुम। आ मेरा भौ, आ मेरा भौ, आ जाओ भौ, अभी गिर गया था। तो लीजिए हम चलते हैं अब रानी। हाँ हाँ वारी अरे बल मेरे बुढ़िया को दोस्तों पहुंच चुके हैं हम कठपुड़िया। कठपुड़िया में यहाँ दादा की दुकान में आ चुके हैं। ले लो भाभी के लिए ले लो, रंग बिरंगे सूट, रंग बिरंगे सूट खुश आएगी। भाभी हैं अपने कान का बुंदा जो गिर गया था। अच्छा अच्छा देखिए दुकान कठपुड़िया की दुकानें देखिए। यहाँ पकौड़ी समोसे छोले बहुत बढ़िया। और ये देखिए कृष्ण का मंदिर है, यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर। मेला भी लगता है यहाँ। नविंदा तुमने क्या कर रखा है? ओ नविंदा ये कान का पीछे का रबर गिर गया ना इसका,
इसको काट दिलाओ दो। इसमें छेद कर दो। मैंने बांधी हुई है। अरे लेके भाग जाते हैं क्या? क्या तो चुंबन बनना पड़े ना धर्माणु। हो गया उसमें भी लगा। आपने अपने कान का जो बूंदा गिर गया था पीछे लटकाने वाला उसके लिए बताया। सत्तर 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 लाओ दो। अब मैं देखती हूँ कैसा लग रहा है। हो जाएगा ये और करने देखती हूँ। ट्राई तो करती हूँ। हो गया हो गया। रात हो जाएगी। बल्ब भी लगा लो इसमें। तस्वीर से निकल के सामने यार यहाँ का मौसम हमेशा ऐसी रहता है पता है मस्त। हम पहुँच गए हैं बिनसर महादेव वाली रोड में। ये और एक छोटी सी रोड है बाकी नीचे है मंदिर। अरे वाह कितना सुंदर है यार। तो पहुँच चुके हैं हम बिनसर महादेव मंदिर में। तो भावना जी बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बाहर से है बस अभी अंदर जाने की वो है। और बाकी मेरा पूरा लुक दिखाऊंगा ये देखिए मस्त ना। अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया। थैंक यू। मोहन भाई बताएंगे? बहुत बढ़िया मजा आ गया। मोहन दा पहली बार आ रहे हैं या इससे पहले भी आए थे आप? थोड़ा दुख रहा मीनाक्षी जी नहीं आई और दिव्या जी। को आदि भगवान का हुकुम होता है। आप भगवान ने हमको हुकुम दिया तो हम आ गए। उनको हुकुम नहीं था उनको हुकुम नहीं है। हेलो गाइड हम बिनसर महादेव पहुंच चुके हैं। अब हम करेंगे मंदिर की तरफ प्रस्थान। चलो तो चलते हैं मंदिर की ओर। ये देखिए शिव जी का मंदिर। आपको बता दूं कि यहाँ घंटी बजाना मना है और पांडवों ने एक रात में ये मंदिर का निर्माण किया था। ये देखिए कितना भव्य सुंदर मंदिर। ये देखिए एकमात्र यहाँ पर एक दुकान है जहाँ अभी भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ मिलती रहती हैं। ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे बच्चों के लिए खिलौने और यहाँ देखिए सजाने की चीज़ें। ये देखिए यहाँ प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है। ये दिखाएंगे हम आपको दिखाते हैं सुंदर सुंदर चीज़ें। ये देखिए एकमात्र दुकान है यहाँ पर। एक ही दुकान है जी। यहाँ प्रसाद जो भी सामग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं।